दोस्तों, नीदरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में होगी ऋषभ पंत की धमाकेदार एंट्री। अब दिखेगा ऋषभ पंत का जलवा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमें हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दे दी। लेकिन ये मुकाबला आखिरी ओवर तक चला, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम को ऋषभ पंत की कमी जरूर खिली। आपको पता होगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब भारतीय टीम को बाएं हाथ की बल्लेबाज की जरूरत थी और पांचवें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया था और उन्हें जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। ऋषभ पंत भारतीय प्लेइंग 11 में अगर होते तो भारतीय टीम शायद ये मुकाबला कुछ ओवर पहले ही जीत सकती थी। लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसे में नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ऋषभ पंत को भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। आपको बता दें, भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज मुकाबला 27 अक्टूबर को गुरुवार को होने वाला है, जिससे भारतीय प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ऋषभ पंत के पास काबिलियत है और एक किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके पास बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार रहा है। तो आपका इस बदलाव के बारे में क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।